हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं आपको पूरा समर बहुत कूल रखने वाली हैं। किसी भी रेसिपी की शुरुआत करने से पहले दो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बेसिक हैं, आप सबको भी पता है, लेकिन कई बार रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी अभी मैंने जस्ट अपना लंच ख़त्म किया और लंच करने के बाद मैं ले रही हूँ एक ग्लास मसाला लस्सी, छाछ भी जिसे आप कहते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपके गट को बहुत खुश रखती है। तो जिनको भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोबायोटिक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अपने मील के साथ दही ज़रूर खाइए, मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप अपने सिस्टम को हैप्पी रखना चाहते हैं, दही, नींबू पानी, प्लस एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, आफ्टर मील और बिफोर मील अगर आप ये दो चीज़ें करें तो आपका पेट कभी ख़राब नहीं होता, आपका सिस्टम जो है वो बहुत हैप्पी रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। खाना खाने से 15 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर, मतलब एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको एक ग्लास पानी में डाल के पी लेना है, उसके 15 मिनट के बाद आपको खाना खाना है। दूसरी चीज़ लस्सी, दही ले लीजिए अपने मील के साथ, नहीं ले सकते तो आफ्टर मील आप एक ग्लास लस्सी ज़रूर पीजिए। आप देखिए आपको कभी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जितनी भी डिसीजेज की, जो बहुत कॉमन डिसीज आजकल हम मानने लगे हैं, जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एकदम से नहीं आती हैं। पहले आपकी बॉडी आपको साइन देती है और वो साइन बहुत ही सिंपल साइन होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आने लगेगी, आपके स्लीप साइकिल में आने लगेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, या आपको आपका जो खाना है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका पेट हमेशा भरा भरा लगता है आपको, तो और भी किसी न किसी प्रॉब्लम के आने के आसार फिर बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप दही को, नींबू को, एप्पल साइडर विनेगर को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पेट खुश, आप खुश, मैं तो हूँ ही खुश। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी के साथ। गर्मियों में जो आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, गर्मियों में जो आप वो बहुत सारी चीनी वाले शरबत लेके आते हैं, वो आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी ड्रिंक्स अपने घर पर बनाइए और पूरी गर्मियाँ कूल रहिए। पहले मैं अपनी लस्सी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की पहली रेसिपी कौन सी है। चलिए सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं शिकंजी बनाने की। गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ही बेसिक ड्रिंक है और बच्चे पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता हमारे पास, तो जल्दी से एक प्रीमिक्स बना के रख लेते हैं ताकि जब आपका मन करे आप शिकंजी बना के पी भी सकते हैं और फटाफट से सर्व भी कर सकते हैं। तो दो चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है पैन में, उसके साथ ही मैंने एक चम्मच काली मिर्च के दाने, उसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक चम्मच उसमें सौंफ डाली है और थोड़ी डाली है उसमें छोटी इलायची। तो बस इन चारों चीज़ों को हमने 40-45 मिनट्स रोस्ट कर लेना है, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। जब इसका पाउडर बन जाए तब हम इसमें मिक्स करेंगे एक चम्मच ब्लैक सॉल्ट और साथ में एक चम्मच डालेंगे इसमें सौंठ का पाउडर, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, और साथ में डालेंगे धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री ही यूज़ कीजिए, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ब्लैक सॉल्ट तो हमने ऐड किया है, साथ ही एक चम्मच डालेंगे इसमें व्हाइट सॉल्ट। एक बार फिर से इसको ग्राइंड करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इसे साफ़ और बिल्कुल सूखे हुए किसी जार में हम स्टोर करके रख लेंगे। और जब भी आपको शिकंजी बनानी हो, ग्लास में थोड़ा सा नींबू निचोड़िए, ये पाउडर डालिए और ठंडा ठंडा पानी डालिए, बर्फ़ डालना चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं, और ठंडी ठंडी शिकंजी इंजॉय कीजिए। इस ड्रिंक को और भी हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें सब्ज़ा सीड भी ऐड कर सकते हैं, जिनको आप सोख करके रख सकते हैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो ये सीड्स जो हैं वो हाई इन फाइबर हैं, मैग्नीशियम है इनमें, कैल्शियम है इनमें, आयरन है इनमें, तो ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। चलिए अब जल्दी से एक प्रीमिक्स और तैयार करके रख लेते हैं, ये भी सबका फेवरेट ड्रिंक है। अगर आप किसी को जलजीरा ऑफर करोगे तो कोई मना नहीं करेगा। ठंडा ठंडा कूल जलजीरा बनाने के लिए पहले से एक प्रीमिक्स रेडी करके रख लेते हैं। तो मैंने 4 टेबलस्पून डाले हैं ज़ीरा और उसके बाद 2 टेबलस्पून डाले हैं इसमें काली मिर्च दाना, साथ में 2 चम्मच डाले हैं अनारदाना। तो इसको भी वही 30-40 सेकंड के लिए आपने रोस्ट कर लेना है, उसके बाद निकाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जैसे कि 1 चम्मच डाला है इसमें ब्लैक सॉल्ट और साथ में 1 चम्मच डाला है रॉक सॉल्ट, चाट मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, पुदीना पाउडर, या फिर आप ड्राई पुदीना के पत्ते अगर आपके पास पड़े हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और सौंठ का पाउडर। तो एक बार फिर से हम इनको मिक्स कर लेंगे और बस ये आपका जलजीरा का प्रीमिक्स रेडी है। ग्लास में बस नींबू निचोड़ना है और ये जलजीरा पाउडर डालना है, बर्फ़ डाल देनी है, पानी डाल देना है। अच्छा, अगर आप चीनी डालना चाहें इसमें तो आप डाल सकते हैं, देसी खांड का इस्तेमाल कर लीजिए। जलजीरा वैसे बिना मीठे के ही बहुत स्वाद लगता है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत लगे तो आप देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, इन गर्मियों में ना एक तैयारी और करके रखनी है, ताकि आपको अगर मसाला लस्सी पीने का दिल करे ना तो आलस ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डलती हैं इसमें। तो हम बना के रखेंगे कुछ ऐसा कि आप मिनटों में, मतलब विद इन सेकेंड्स, आप मसाला लस्सी बना के पी सकते हैं। तो इसके लिए ग्राइंडर जार में मैंने लिए कुछ धनिया पत्ता और बहुत सारे पुदीना पत्ता, और साथ में उसमें डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे काट के अदरक, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, मतलब इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। उस पेस्ट को हमने किसी आइस ट्रे में फिल करके उसे फ्रीज कर लेना है, उसकी आइस क्यूब्स आपके पास रेडी हो जाएंगी। अच्छा, लस्सी कैसे बनानी है? बहुत सिंपल, बस आपने दही लिया, उसको आपने फेंट लिया, उसमें डाली वो एक आइस क्यूब निकाल के, पानी डाला, और बस मिनटों में आपकी मसाला लस्सी, मसाला छाछ तैयार है। सोक किए हुए सब्जा सीड अगर डालना चाहें लस्सी में भी तो बहुत स्वाद लगते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। इस लस्सी को जब चाहे आप खुद बना के पी सकते हैं, टिफ़िन के साथ ऑफिस ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं। मतलब इस गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत राहत देती है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से खुद को बचाने के लिए आपको अलग अलग फ्लेवर तो ट्राई करने ही पड़ेंगे। तो मिंट लेमनेड बनाएंगे, वो भी मिनटों में। पुदीना को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसे डाल लेंगे किसी बॉटल या किसी ग्लास में। उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ देना है, साथ में डाला है मैंने उसमें ब्लैक सॉल्ट, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हनी अगर डालना चाहें तो, और साथ में सब्जा सीड, और बस पानी डाल दीजिए। आइस डालना चाहें तो आइस डाल सकते हैं, और नॉर्मल लेमनेड की बजाय आप मिंट लेमनेड मिनटों में इंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस आजकल बहुत तरह के आने लग गए हैं, मतलब आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, स्ट्रॉबेरी जूस, ग्रेप्स जूस, ऑरेंज जूस। लेकिन सच बताऊं तो फ्रूट का उनमें एक अंश भी नहीं होता, उनमें होता है सिर्फ चीनी, पानी और साथ में फ्रूट का एक एसेंस। लेकिन किसी भी सीजनल फ्रूट के साथ आप घर में ही फाइबर रिच जूस बना सकते हैं, और वो भी बहुत टेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे ग्रेप्स का जूस बना रही हूँ, तो ग्रेप्स को ग्राइंडर जार में डाल लिया, पुदीना डाल लिया, ब्लैक सॉल्ट डाल लेंगे, साथ में जीरा पाउडर डाला, देसी खांड का एक चम्मच वो डाल सकते हैं, और साथ में नींबू डाल दीजिए थोड़ा सा। बस थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए, और देखिए क्या बढ़िया टेस्ट आता है। बनाकर एक बार पी कर जरूर देखिएगा। इसी तरह से आप ब्लैक ग्रेप्स के साथ भी जूस बना सकते हैं, अनार के साथ बना सकते हैं, मतलब जिस भी सीजनल फ्रूट के साथ आप बनाना चाहें जूस बना के पी सकते हैं। मैंगो का सीजन है, मैंगोज हम बहुत खाएंगे, लेकिन चीनी और दूध के साथ मैंगो शेक की बजाय जो मैंगो लस्सी है ना, ज़्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो सिंपल दही, मैंगो, और जब तक आम बहुत ज़्यादा मीठे नहीं आने तब तक आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। हनी की बजाय आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, ग्राइंड कर लीजिए, और साथ ही ज़रूर डालिए थोड़ा गोंद के तीरा, मतलब सोक कर लीजिए पानी में उसे रात भर, और उसके बाद फूल जाएगा तो एक चम्मच आप इसे लस्सी में इस्तेमाल कीजिए। बहुत बढ़िया होता है, ठंडा होता है तासीर में एक तो, और दूसरा जो वीकनेस आ जाती है, बहुत सुस्ती सी पड़ती है हमें गर्मियों में, उस फटीग को भी रिड्यूस करने में गोंद कतीरा बहुत हेल्प करता है। गर्मियों में अक्सर आपका चाय पीने से मन हट जाता है, मतलब गर्मा गर्म कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, तो आप आइस्ड टी बना के पी सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पानी में सौंफ डालनी है और चाय पत्ती आप ज़्यादा डाल लीजिए, तभी इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। उसके बाद किसी बड़े बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लीजिए। फिर हम डालेंगे आइस क्यूब्स ग्लास में, पुदीना पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस, और साथ ही जो टी हमने बना के रखी है वो डाल देंगे। एक चम्मच डाल दीजिए इसमें हनी, बस मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और परफेक्ट आइस्ड टी को इंजॉय कीजिए। अच्छा, गर्मियां शुरू हो गई हैं तो अलग अलग तरह के डिटॉक्स ड्रिंक बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये बनाइए इस बार बीट रूट का, बना के देखिए और पी के देखिएगा। तो बीट रूट को स्लाइस में काट लेना है, उसके बाद उसे डालेंगे हम किसी ग्लास जार में। अदरक के कुछ टुकड़े डालने हैं काट के, साथ में लेमन के स्लाइस डाल देने हैं, साथ ही डालेंगे इसमें दालचीनी पाउडर, और उसमें कुछ डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। बस पानी से उस जार को फिल कर देना है, मेरे पास ये 2 लीटर का ग्लास जार है। रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, और सुबह तक आपका ये डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाता है। सारा दिन इसे पीजिए और पिलाइए दूसरों को भी। बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तो स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो बॉडी के लिए नहीं तो स्किन के लिए पीजिए। कूल कूल ड्रिंक इंजॉय कीजिए गर्मियों में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।